चलते हैं इस वचन के लिए, जो मूल वचन का चुनाव हमने किया है वो है रोमियो की पत्री 4 अध्याय और वचन 25। बाइबल कहती है यहाँ पर, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। और हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे वो विषय है धर्मी, मराठी में नीतिमान और इंग्लिश में राइचियस। आज ये धर्मी जो शब्द है ये किसी धर्म से कनेक्टेड नहीं है, ये किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन इस धर्म को जो इंसानों ने बनाए हुए उससे कनेक्टेड नहीं है। तो ये धर्मी व्यक्ति की जो परिभाषा है उसकी परिभाषा ये कहती है, धर्मी उसे कहा जाता है जो खुदावन को अपने सामने निरंतर सम्मुख अपने जानकर खुदावन की इच्छा से आज्ञा पालन करता है, वो धर्मी व्यक्ति होता है। आमीन, हालेलुया। उसके अंदर वो धार्मिकता या वो धर्म आता है और वही धार्मिकता और वही धर्म उसे धर्मी जीवन में चलने के लिए अगुवाई करता है। और फिर से बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह निश्चय ये संसार में 2023 साल पहले पापियों के लिए आया था, लेकिन अभी वो बीच बादलों पर आएगा तब वो धर्मियों के लिए आएगा। इसीलिए बाइबल जिक्र करती है पहला पुनरुत्थान धर्मियों का है और दूसरा न्याय का पुनरुत्थान अधर्मियों का है। जो न्याय का पुनरुत्थान उन्हें अधोलोक लेकर जाएगा, लेकिन पहला पुनरुत्थान जिसे रैप्चर भी कह सकते हो, ये धर्मियों का पुनरुत्थान जिसे जीवन का पुनरुत्थान कहा गया है, वो जीवन से अनंत जीवन में लेकर जाएगा। आमीन। तो आपको, आप भले ही न्यू बिलीवर हो, आप पुराने बिलीवर हो, आप कौन से भी डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हो, आपको उद्धार पाने के साथ आपको धर्मी जीवन जो मिला है उस धर्मी जीवन में जीना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ हमारे मसीह भाइयों ने अपने पापों को या अपने गुनाहों को छिपाने के लिए उन्होंने रोमियो 3:10 का सहारा लिया है। ये एक ही वचन की पूछ लेकर वो अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस वचन का इस्तेमाल करते हैं, जो जानबूझकर पाप की राह में या गलतियों में जाते हैं वे लोग इस वचन का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि रोमियो 3:10 कहता है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन इस वचन का संदर्भ वो जानते नहीं है, इस वचन के कॉन्टेक्स्ट में वो जाना नहीं चाहते ये क्यों कहा गया है। यदि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, तो यीशु मसीह का इस संसार में आना, धर्मी परमेश्वर का धर्मी लहू बहाना, धर्मी परमेश्वर मृत्यु पर जिलाया जाना, धर्मी परमेश्वर फिर से कलीसिया को लेने के लिए आना, ये सारी बातें व्यर्थ ठहरेगी। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया हम उद्धार में जो धर्मी जीवन है वो पा सके। इसलिए गौर से सुनो, किसी को लगता होगा कुछ नहीं चलता है, धर्मी कोई नहीं है, एक भी नहीं है। यदि इस गलत फहमी में अगर आप जीवन जीते होंगे तो ये गलत फहमी आपको स्वर्ग से दूर कर सकती है। आज बहुत सारे लोग इस वचनों का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कोई धर्मी नहीं है, चलता है, नहीं चलता है। अगर आप इस रोमियो 3:10-12 को पढ़ेंगे तो आगे ऐसा भी लिखा है समझदार कोई नहीं, उसके आगे ऐसा लिखा है परमेश्वर या खुदा को खोजने वाला कोई नहीं, और वहां से आगे लिखा है भलाई करने वाला कोई नहीं। यीशु मसीह के जमाने से पहले, मूसा के जमाने से पहले, अब्राहम के जमाने से पहले बहुत सारे लोगों को धर्मी कहा गया है, जिसका एक पुख्ता सबूत हमें उत्पत्ति के 7वें अध्याय की शुरुआत में मिलता है। खुदावन कहता है नूह एक धर्मी व्यक्ति है। बाइबल हमें शुरुआत में ये बातों के बारे में बताती है, व्यवस्था लॉ या नियम शास्त्र जिसे कहा जाता है, या तोहरा शरीफ जिसे कहा जाता है, तोहरा आने से पहले और तोहरा आने के बाद परमेश्वर धर्मी व्यक्ति के अंदर ये 3 बातें देखता था। उसमें से पहली बात जो रोमियो 3:10 कहता है कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, आगे ये कहता है समझदार कोई नहीं। इसका मतलब खुदावन के वचन के अनुसार खुदावन को देखकर जो समझदारी से कदम बढ़ाता है उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर धर्मी व्यक्ति दिखता है। जो खुदा की खोज में लगा रहता है उसके अंदर परमेश्वर धर्मी व्यक्ति मत देखता है। और इसके साथ साथ जो भलाई का काम करता है उसे धर्मी लोगों में उसकी गिनती की जा सकती है, ये बाइबल हमें बताती है। क्योंकि अगर हम नए नियम में अगर आते हैं तो यीशु मसीह के पिता का रोल निभाने के लिए
यूसुफ का चुनाव किया गया था उसके बारे में बाइबल कहती थी कि यूसुफ धर्मी था, इसीलिए मरियम को चुपचाप छोड़ने का निर्णय ले रहा था। बाइबल ये भी बताती है जो यीशु मसीह का मार्ग सीधा करने वाला था, जो उसके माँ बाप थे, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के माँ बाप जखरिया और एलीशिबा के बारे में बताया गया कि ये दोनों धर्मी थे। जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह का समर्पण जब मंदिर में हो रहा था, जब उसको मिला एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम शिमोन है, वो भी एक धर्मी व्यक्ति था। आपको कितने एग्जांपल दे चुका हूं मैं, इसलिए मैं नए साल में इस बातों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप फिर से रिवाइव हो जाओ, रिफ्रेश हो जाओ और अपडेट करते हुए इस संदेश को समझो और इस 2023 में भी धर्मी जीवन जीने की कोशिश करो ताकि 2023 में यीशु मसीह आएगा, हमें डरने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान जो पहला होगा वो धर्मियों का ही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप इस बात से कहेंगे कि बाबा इस वचन को लेकर अगर कहेंगे कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह का जो भाई याकूब, उसने उसके पत्र में धर्मी व्यक्ति के दो स्वभाव के बारे में बताया है, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा याकूब की पत्री 5वां अध्याय वचन 16। क्या कहता है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। पापों को मान लो मतलब जो मान रहा है गलती को, गुनाह को, जिसके सामने मान रहा है, तो उसका मतलब उसे माफ भी करे। मानना और माफ करना, क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये एक लाइन में आ जाता है। आगे दिया है, एक दूसरे के लिए मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। अभी ये चंगाई कुछ आने वाली चंगाई नहीं है, पैरालाइज व्यक्ति को मिलने वाली चंगाई नहीं है। आज कितने सारे है जो अंदरूनी बीमार है, जो मानसिक स्वरूप में बीमार है, आज कहीं ना कहीं अंदर किसी के प्रति कड़वाहट, किसी के प्रति कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बना के रखे हुए, इसीलिए वो शरीर से तो तगड़े है लेकिन अंदर से तो खोखले हो गए हैं। इसीलिए वचन दिया गया है कि यदि किसी के प्रति आपके मन में कुछ है या कुछ गलती आपसे हुई है, जाओ उससे क्षमा मांगो 2023 साल में। और यदि आपके पास आकर यदि गलती करने वाला व्यक्ति अगर क्षमा मांगता है, तो बड़े दिल से उसको क्षमा करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। ये बीपी, थायराइड, शुगर की जो बीमारियां बढ़ने का कारण यही है कि इंसान अंदर से बीमार है। ये अंदर से आया हुआ प्रेशर लहू के अंदर बीमारी लेकर आ रहा है, सांस के अंदर बीमारी लेकर आ रहा है, मांसपेशी के अंदर बीमारी लेकर आ रहा है, क्योंकि समस्या अंदर है। और बाइबल कहती है कि एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। और इसी वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं अजीजो, शायद 2022 में कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हमने ट्राई किया कुछ नहीं हुआ, यदि इस 2023 में बहुत कुछ हो, इसके लिए क्षमाशील जीवन जियो, प्रार्थनाशील जीवन जियो। देखो जब आप क्षमा करते हो तब आप खुले दिल से प्रार्थना करते हो, और ये खुले दिल से की हुई प्रार्थना ट्रैफिक पूरी तरह से क्लियर कर देता है। ये प्रार्थना डायरेक्ट पिता के सिंहासन के पास जाती है और ये प्रार्थना जवाब लेकर आती है। इसीलिए यहाँ पे एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन, अब रोमियो 3:10 का रट्टा मारने वाले लोग जो है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, नीतिमान कोई नहीं, एक भी नहीं, वो कान खोलकर सुने। अगर आप उस वचन की पूछ लेकर चलोगे तो आपके जीवन में आप कितनी भी प्रार्थना करोगे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि याकूब 5:16 कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। और धर्मी जन की प्रार्थना के बाद हम धर्मी जीवन में कैसे बढ़े, जिसके लिए गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और वचन 7 और 8 हमें बेहतरीन स्वरूप में मार्गदर्शन करता है। ये फिर से मैं नए साल में आपके सामने लेकर आ रहा हूं और यहां पे शुरुआत ही की गई है, धोखा ना खाओ। गौर से सुनो, धोखा ना खाओ, क्योंकि धोखा देने वाले
बहुत सारे सो कॉल प्रॉफेट, सो कॉल एपोस्टल, सो कॉल पास्टर घूम रहे हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें बताकर केवल अपना बैंक बैलेंस और अपना मार्केट गरम करने के लिए शायद आपको भरमा सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही बताया जा रहा है, धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। आज हम कहीं ना कहीं 2022 में बहुत सारे धोखे खाए होंगे, हमारे अपनों से धोखे खाए होंगे, हमारे करीबी दोस्तों से धोखे खाए होंगे, विश्वास में धोखे खाए होंगे, गलत टीचिंग के द्वारा धोखे खाए होंगे। लेकिन नया साल आपको आगाह कर रहा है 2023 में, धोखा ना खाओ कि जिसके द्वारा ऐसा ना हो कि आपके जीवन से कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों के सामने आपके यीशु को ठट्टों में उड़ाया जाए। आज जगह जगह पे हम देख रहे हैं सताव बढ़ रहा है, प्रोसिक्यूशन बढ़ रहा है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगह पे प्रोसिक्यूशन बढ़ रहा है। उसके पीछे का कारण कुछ नॉन बिब्लिकल कारण भी है। कुछ लोग केवल सेवा आत्मा से कर रहे हैं लेकिन बुद्धि से नहीं कर रहे। अगर सिर्फ आत्मा से कर रहे तो फेल है, सिर्फ बुद्धि से करोगे तो भी फेल है। बुद्धि और आत्मा, विजडम एंड स्पिरिट, ये दोनों एक साथ लेकर जब चलोगे तो मुझे आपको बताना है पवित्र शास्त्र में पीड़ितों के कामों में एक ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति हमें दिखता है, एक ऐसा धासु व्यक्ति हमें दिखता है जो बड़े बड़े सभा स्थान में जाकर अकेला भिड़ता था, प्रचार करता था, कोई उसको हाथ नहीं लगाता था, जिसका नाम है पौलुस। लेकिन आज हमारे पास अधूरे ज्ञान के वजह से, बुद्धि की कमी होने के वजह से, एक्सपीरियंस की कमी होने के वजह से और अधीनता में अपने सीनियर लोगों के ना रहने के वजह से जगह जगह पे प्रोसिक्यूशन का सामना कुछ लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ लोग जेन्युइनली सेवा कर रहे हैं उनको भी सामना करना पड़ रहा है, कुछ लोग अधूरे ज्ञान वाले, अधूरे दर्शन वाले, उनको भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी गलतियों की वजह से मीडिया में आज कहीं ना कहीं परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जा रहा है। इसलिए आपको और मुझे सतर्क होना होगा, सावधान होना होगा और सयाना होना होगा कि धर्मी जीवन में मैं कैसे चल रहा हूं। बाइबल यहां पे आती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। और आगे ऐसा लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आपको सिखाते सिखाते ये वचन मेरा बाय हार्ट हो गया। अब मैं हमेशा इस वचन पर कॉन्सेंट्रेशन करता हूं कि ऐसी कोई बात मेरी कलीसिया में ना हो, मेरे परिवार में ना हो, मेरे जीवन में ना हो कि जिसकी वजह से ये अन्य जाति उंगली उठाकर कहे कि ऐसा कैसा तुम्हारा परमेश्वर। आज मसीह कहलाते हैं लेकिन कुछ लोग इन दिनों में जो पिछले क्रिसमस के वक्त या न्यू ईयर के वक्त लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टियां की और कुछ लोग कहते हैं अरे तुम्हारे में तो ये चलता है इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं ये बड़ी बड़ी पार्टियां, ये मद्यपान करना, अल्कोहल की पार्टियां करना, उस दिन झूम झूम कर ये बात करना। बताना चाहता हूं मसीह जाग जाओ, आपके इन बातों के द्वारा परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जा रहा है। जो कुछ बोओगे वही काटोगे। यदि अपने हम आपके जानकर अपने मन को फिराकर पश्चाताप करते हुए इस नए साल में शरीर के क्षेत्र में नहीं तो आत्मा के क्षेत्र में बोओगे तो निश्चय यीशु आएगा तो अनंत जीवन की कटनी पाओगे। ये शरीर में बोना क्या है? बोना मतलब निर्णय। आज धर्मी जीवन तो मिला है लेकिन क्या धर्मी जीवन में मैं योग्य चुनाव, हमारा मूल विषय चल रहा है अभी, धर्मी व्यक्ति का चुनाव, धर्मी व्यक्ति का निर्णय, धर्मी व्यक्ति का फैसला। आज बहुत सारे फैसले हमारे वर्तमान में गलत होने की वजह से उसका खामियाजा या उसका परिणाम हम आज हम भूतकाल में जो पास में हमने जो गलत निर्णय लिए, जो गलत फैसले हमने किए, जो गलत चुनाव हमने किए, उसका खामियाजा वर्तमान में आज हम भुगत रहे। यदि 2023 में हम धर्मी जीवन के क्षेत्र में यदि खुदावन की अनुग्रह में वचन के अनुसार अगर हम योग्य फैसला लेंगे फिर किसी को पसंद आए या ना आए लेकिन स्वर्ग अगर आपके फैसले से संतुष्ट है तो डंके की चोट पर बताना चाहता हूं आपका भविष्य उज्जवल, प्रकाशित और आशीषित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कभी कभी हम भावना में बहकर, जज्बात में बहकर, इमोशंस में बहकर कभी कभी हम शरीर के क्षेत्र में बोते हैं, मतलब शरीर के क्षेत्र में निर्णय लेते हैं, फैसला करते हैं, चुनाव करते हैं जो शरीर को खुश करने वाला है, मनुष्य को खुश करने वाला है, मनोरंजन के क्षेत्र में खुश करने वाला है। और यही फैसले कहीं ना कहीं मैंने भी गलतियां की है।
उसका खामियाजा मैंने भी भुगता है, लेकिन जब वचन ने अगुवाई की, मैंने पूरे पश्चाताप के साथ खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया और खुदा बाप से कहा कि खुदावर मुझे वो अनुग्रह दे ताकि मैं योग्य फैसला कर सकूं। आज बहुत सारे लोग आज भी रो रहे हैं क्योंकि उनके फैसले, उनका चुनाव, आज उनके डिसीजंस कहीं ना कहीं गलत हो गए, जिसका खामियाजा वर्तमान में वो भुगत रहे हैं। छोड़ दो उन बातों को। फिलिपियों की पत्री 3:14 में पौलुस कहते हैं, मैं पिछली बातों को भुलाकर आगे की बातों की ओर दौड़ता हूं। छोड़ दो पिछली बातों, हो गई पुरानी बात, लेकिन मसीह यीशु में हम नई उत्पत्ति है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या नए साल में भी क्या हम उसी बातों में पड़े रहेंगे? मैंने नए साल का संदेश दिया मेरी कलीसिया को, यूट्यूब के ऊपर वो संदेश मैंने डाला हुआ है, कुछ लोगों को शेयर भी हुआ होगा। वो संदेश का शीर्षक था विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा। इस साल में मैं परमेश्वर की इच्छा से जीऊंगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर की प्रसन्न होने वाले वर्ष का प्रचार करूंगा। 2022 में मेरा सवाल है कि आपके जीवन से, आपके कामकाज से, आपके परिवार से, आपकी सेवकाई से, मेरा सवाल है क्या यीशु मसीह खुश है? अगर नहीं है कोई बात नहीं, उस दोष भावना में मत जाओ, गिल्टी कॉन्शियस में मत जाओ। 2023 में एक धर्मी व्यक्ति निर्णय लेता है, पुरानी बातों को भुलाकर खुदा के साथ एक वाचा बांधकर कहता है, प्रभु यहां से आगे मैं तेरी संतुष्टि के लिए और तेरी इच्छा, तेरी मर्जी के लिए जीऊंगा। बहुत सारे लोग गाने तो गाते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बोलते हैं, लेकिन जब छोटी मोटी बातें होती है तो वो मनुष्य स्वभाव में आकर वो धोखा खाते हैं, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं और अपने जीवन में शरीर के क्षेत्र में अपने मकसद के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने सम्मान के लिए बोते हैं, जो कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन यही बोया हुआ बात आने वाले दिनों में विनाश की कटनी ला सकता है। विनाश की कटनी मैंने भी काटी है आंसुओं के साथ। मेरे गलत डिसीजन, गलत लोगों का चुनाव, मैंने मेरे जीवन में काटा है उस कटनी को। कितनी रातें मैंने रो रो के निकाली है, मुझे पता है क्या निर्णय होते, इसलिए अभी मैं छाछ भी फूक फूक कर पीता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन चाहता है कि धर्मी लोगों के निर्णय योग्य हो जाए। आमेन, हालेलुया। हम अभी देख रहे मूसा के निर्णय, मूसा के निर्णयों के ऊपर जब हम देख रहे कि इब्रानी की पत्री 11:24 से आगे हम मूसा के 8 निर्णय, 8 फैसले या 8 चुनाव देखेंगे, जिसमें से तीसरा चुनाव चल रहा है हमारा। बाइबल कहता है विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया। मूसा विश्वासी से सयाना हुआ। आज शायद आप ग्रेजुएट होंगे, आपके पास इंजीनियरिंग का नॉलेज होगा, आपका मेडिकल नॉलेज होगा, आपने पीएचडी किया होगा, आपके पास सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज होंगे, आपके पास भले ही ये नेट का, गूगल का बड़ा भंडार का ज्ञान होगा, जिससे आपको लगता होगा आप बहुत सयाने हो, तो ये सारी बातें, ये कूड़ा कचरा आपके दिमाग से निकाल दो। मूसा के बारे में मरने के पहले संदेश देता है कि मिस्रियों की सारी विद्या मूसा जानता था, लेकिन जब उसने मिस्र को छोड़ा ना, तो मूसा ने उन सारी विद्याओं को भुला दिया और वो पूरा खाली हो गया। वो खुदा के साथ चलता रहा, उसने पहला निर्णय लिया, मैं विश्वास से सयाना होगा। जैसे हम विश्वास से देखते हैं, वैसे विश्वास से सोचते हैं क्या? हम विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या विश्वास की सोच रखते हैं क्या? आज कहीं पर भी जाओ, चिन्ह चमत्कार के वीडियोस आपको यूट्यूब पे दिखेंगे। ये सब बातें आपको आपके मटेरियलिज्म टीचिंग के लिए ठीक है, प्रॉस्पेरिटी के लिए ठीक है, हीलिंग के लिए ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इसका कोई लाभ नहीं है। आज बहुत सारे लोग केवल ये बाह्य स्वरूप की बातें देखकर वो आश्चर्यचकित होते, लेकिन मूसा, बाइबल कहती है सयाना हुआ और पहला निर्णय था, उसने विश्वास से सयाना होने का निर्णय लिया। दूसरा निर्णय, उसने खुलेआम फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार कर दिया। अब इसके ऊपर मैंने बहुत गहरी शिक्षा दी है, आप यूट्यूब पर जाकर स्टेप बाय स्टेप ये पूरा सेशन आप अटेंड कर सकते हो। दूसरे निर्णय में मूसा के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वह नेक्स्ट फिरौन बनने वाला था मिस्र का। मूसा जो जो फिरौन की बेटी ने जब उस
घास के पेटावे में से मूसा को बालक अवस्था में से 3 महीने की बच्ची को उसने बाहर निकाला और अपने कलेजे से लगाकर अपना पुत्र बनाकर रखा। लेकिन जब मूसा सयाना हुआ, मूसा ने निर्णय लिया, मैं जाकर बताऊंगा फिरौन की बेटी को, तू मेरी मां नहीं है, मैं मिस्री नहीं हूं, मैं इसराइली हूं। यीशु मसीह कहते हैं, भले हम इस संसार में है लेकिन हम संसार के नहीं है, हमें संसार से चुन लिया गया है। हम कभी कभी फिरौन की बेटी के पुत्र बनते हैं। आज के लोग कलीसिया में आते हैं क्यों? फिरौन की बेटी की आशीष पाने के लिए। उनको अमेरिका जाना है, उनको वीजा चाहिए, उनको अच्छा फ्यूचर चाहिए, उनको अच्छी सब बातें चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए। एक लग्जरियस लाइफ में जीने वाला मूसा फिरौन की बेटी के मुंह पर आकर कहता है, आई एम नॉट योर सन, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। भले तूने उस पानी में से, उस घास के पेटाने से मुझे निकाला, लेकिन सुन, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं जान गया हूं, मैं सयाना हुआ हूं। मेरा बाप अमराम है, मेरी मां जोकबेत है, मेरा भाई हारून है, मेरी बहन मिर्याम है, मैं जान गया हूं, मैं इब्री हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी धर्म से आए क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, जो भी आपका ये पास्ट है, आपको उन सब बातों को खुलेआम बताना चाहिए और उनका खुलेआम इनकार करना चाहिए कि मैं वहां का नहीं हूं, मैं इस क्षेत्र का नहीं हूं, मैं ऊपरी क्षेत्र का हूं जहां से यीशु मसीह आया है और यीशु मसीह आने वाला है। फिर उनकी बेटी के पुत्र होने का इनकार करना मतलब प्रमोशन अगर गलत राह से आ रहा है उसको भी लात मारना, गलत राह से आने वाली कमाई उसको भी लात मारना, गलत राह से मिलने वाली उन्नति उसको भी इनकार करना। फिरौन की बेटी आज यहाँ पे संसार में हर एक जवानों को, हर एक व्यक्ति को आकर्षित कर रही कि आओ मेरे पास से लो, लेकिन ध्यान से रखो, आप फिरौन की बेटी की संतान नहीं हो, आप सियोन की बेटी की संतान हो। हालेलुया, जिस सियोन देश में आपको जाना है आप वहां के बेटे और बेटियां हो। आपको इनकार करना होगा, फिर भले लोग हंसेंगे, मूसा के ऊपर सारा राज दरबार हंसा होगा, उसकी खिल्ली उड़ाई होगी, उसका मजाक बनाया होगा, लोग उसको देखकर ताने मारते होंगे, अरे पागल, देखो पागल, ये अगला फिरौन बनने वाला है, लेकिन देखो चलो जंगल में जा रहा है, अभी ये रेगिस्तान की राह पे जा रहा है। मूसा को पता था उसने क्या निर्णय लिया है। आज शायद आपका निर्णय देखकर लोग आपके ऊपर थूकेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको ठट्टों में उड़ाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक समय आएगा उन्हीं के सामने खुदावन आपको खड़ा करेगा, क्योंकि कला में पाक कहता है जो अपमान में बोया जाता है वो महिमा में उठाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा निर्णय 25 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए कि पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। वाओ, ये तीसरा निर्णय हम लगातार देख रहे हैं। शायद इस तीसरे निर्णय में शायद 3 या 4 एपिसोड हुए होंगे, मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन ऐसा मेरा तर्क है। मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, क्या आपको पाप के क्षणिक सुख को आपको उठाना है या परमेश्वर के लोगों के साथ घुटनों के बल आकर, उपवास प्रार्थना में आकर, नहीं उपवास प्रार्थना केवल प्रार्थना में आकर, चर्च संगति में आकर, किसी व्यक्ति के, बीमार व्यक्ति के लिए दुआ करने के लिए, किसी व्यक्ति के उद्धार के लिए, क्या आपको किसी पार्टी में, किसी मनोरंजन में, शादी ब्याह में, अभी मैं आपको फिर से खुलकर बताना चाहता हूं, शायद 2022 साल में आपने इंसान को खुश करने के पीछे साल गवाया होगा, आपके खून के रिश्तों को आपने खुश करने के लिए साल गवाया होगा, अपने अपने रिश्ते नातों को खुश करने के लिए, खुद की खुशी के लिए साल गवाया होगा। लेकिन ये तीसरा निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों पता है? क्योंकि मूसा ने अपने बारे में खबर निकाली थी, मूसा ने खबर निकाली थी, शायद मिर्याम ने उसको बताया होगा, हारून ने उसको बताया होगा। उस जमाने में मूसा हजारों बच्चों को पटक पटक के मार दिया गया था, लेकिन उस जमाने का केवल तू ही व्यक्ति है जो जिंदा बचा है। मूसा के अंदर वो आग लगी होगी कि मुझे जिंदा क्यों रखा परमेश्वर ने,
ये 2023 साल में मैं वो आग आपके हृदय में लगाना चाहता हूँ। 2022 में बड़े बड़े लोग इस संसार को छोड़कर चले गए होंगे, आपने गलतियां करने के बावजूद भी 2023 में खुदा ने आपको अगर जिंदा रखा है, खुदा ने आपको अगर ये साल दिखाया है, तो इसको हल्के में मत लेना, गंभीरता से। ये 25 वचन कहता है, मूसा ने पाप के क्षणिक सुख को भोगने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम जाना। व्हाट इज योर चॉइस, क्या है आपका निर्णय, क्या है आपका चुनाव? फिर से 2022 के जैसा ही, उसी आनंद में, उसी बातों में, उसी मनोरंजन में, उसी एंटरटेन में, उसी इवेंट में जीवन जीना है क्या ये 2023 में? क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियां हम न्यूज चैनल पर देख रहे, न्यूज चैनल बता रहा है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन ये सारी बातें मिलकर क्या बताती है? ये चिन्ह है, अंत के अंत में हम आ गए हैं। एक साइड से एंटी क्राइस्ट आने के लिए तैयार है और दूसरी साइड से सेवियर क्राइस्ट आने के लिए तैयार है। आपको एंटी क्राइस्ट की दुनिया में रहना है जहां पे सताव और अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी, या आपको सेवियर क्राइस्ट के राज्य में जाना है, उद्धारक मसीह के जीवन में जाना है? क्या आपको ये मसीह विरोधी के जीवन में जाना है? ये आपका चुनाव है। मैं जब मूसा का जीवन देख रहा था, मूसा के जीवन से जब मैं कुछ बातों के ऊपर गहरा अध्ययन कर रहा था कि क्या मूसा को पड़ी थी। आज की डेट में अगर कोई कहेगा मूसा पागल आदमी है, मूसा को कुछ समझता क्या नहीं? मूसा वो जमाने के विश्व का सबसे अमीर देश का राजकुमार था, लेकिन मूसा, मैंने आपको बताया कि मूसा मिस्र के अंदर 40,000 टन सोना था, जो यूसुफ के जमाने में, अकाल के जमाने में जो धान उन्होंने पिरामिड्स के अंदर रखे थे, उस धान को बेच बेचकर इतना धन था, 40,000 टन इतना सोना उसके पास था। लेकिन मूसा ने उसकी परवाह नहीं की। मूसा जानता था उसकी कॉलिंग को, मूसा जानता था उसके जमाने में जब वो बच्चा था, हजारों बच्चे मारे गए, खुदा ने मुझे जिंदा रखा है, इसका मतलब खुदावन मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है। आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए होंगे, आप मौत की मुंह से बाहर आए होंगे, ये नया साल खुदा ने आपको दिखाया होगा, इसे हल्के में मत लेना, फिर से उसी पुरानी दुनिया में मत जाना, फिर से उसी गंदी लतों की आदत में मत जाना। एक निर्णय ले लो, खुदावन मैं पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, मैं अपने जीवन में संसार की सुख सुविधा से अधिक तेरे लोगों के साथ, मैं आत्मिक जीवन में दुख उठाने के लिए तैयार हूं। आज लोगों को पार्टियों में बुलाओ, मनोरंजन की जगहों पे बुलाओ, बड़ी तादाद में एकदम सवर के आते हैं, सच सवर के आते हैं, लेकिन यदि किसी सभा में, यदि प्रार्थना सभा में, उपवास प्रार्थना में बुलाते तब लोग बिजी हो जाते हैं, लेकिन शादी ब्याह में ऐसे ठुमके लगते हैं, चर्च में आराधना करने वाले लोग डीजे पे ठुमके मारते हैं, ऐसे डुप्लीकेट मसीह लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं, इन सब बातों से आगाह करना चाहता हूं। 2022 में ये गलतियां हुई होगी, लेकिन 2023 में निर्णय ले लो। मूसा का ये तीसरा बेहतरीन निर्णय है, पाप के क्षणिक सुखों को भोगने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसने अधिक उत्तम जाना। आप क्या अधिक उत्तम जानते हो? आपको अधिक उत्तम क्या लगता है? आपका करियर, शान, शोहरत, खाना पीना, पार्टियां, रिश्ते नाते, शादी ब्याह? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को मसीह मत कहो, क्योंकि यीशु मसीह का चेला होने के लिए यीशु मसीह ने क्लियर कट लुका 14 में कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, इवन अपने आप का इनकार करते हुए अपनी सूली उठाकर मेरे पीछे आ नहीं सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये बात कान खोलकर सुन लो, नए साल के लिए ये चेतावनी हमारे लिए आ रही है कि क्या मैं पाप के क्षणिक सुखों को पसंद करने वाला व्यक्ति हूं या परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने वाला व्यक्ति हूं। पौलुस तिमोथियुस को कहता है, एक योद्धा बन और मेरे साथ दुख उठा। ये क्यों कहता है बताए? क्योंकि पौलुस का एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं थोड़ा सा वहां पे आपको लेके जाना चाहता हूं। दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय और वचन 6-8 तक, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। उसको पता चला है कि अभी मेरा समय पूरा हुआ है। और आगे वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं,
मेरा सवाल है, क्या 2022 में आपने अच्छी कुश्ती लड़ी है? नहीं लड़ी होगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन 2023 में पाप के क्षणिक सुखों का लाभ उठाने से अधिक परमेश्वर के लोगों की संगति में परमेश्वर के साथ बैठने का एक चुनाव करो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। कौन कहेगा ये बात? मैं डरता हूं इस वचन को पढ़ते वक्त, लेकिन ये वचन मुझे और प्रोत्साहित करता है आगे जाके। सुनो, मैंने विश्वास की रखवाली की। नंबर एक कहता है वो कुश्ती लड़ चुका है, अपनी दौड़ पूरी कर ली है, विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की कुश्ती, विश्वास की दौड़ और विश्वास की रखवाली की है भविष्य में। वर्तमान में नहीं ये किया है, इसलिए भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। ये किसी धर्म का, मसीह धर्म हिंदू धर्म का नहीं बाबा, क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट, धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। वो परमेश्वर न्यायी है और उसकी पहचान दी वो धर्मी है। यदि हम धर्मी यीशु की संतान है, यदि मेरा बाप धर्मी है, तो निश्चय मैं भी धर्मी हो। कोई ये ना कहे वो मेरे 3:10 के अनुसार धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। यदि जो कोई इस वचन का सहारा लेता है उसका यीशु पे ईमान ही नहीं। आगे ऐसा लिखा है, मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है। पौलुस कहता है धर्मी परमेश्वर मुझे वो मुकुट देगा, धर्म का मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस का वो ताज, धार्मिकता का ताज मुझे देगा। लेकिन आगे क्या कहता है, मुझे ही नहीं, मतलब आगो को भी है, मुझे ही नहीं वगन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हम सभी को है। क्या आप यीशु मसीह का प्रकट होना प्रिय जानते हो? क्या अभी भी ये कहते हो प्रभु थोड़ा टाइम से आ, मुझे अभी ये करना है, मुझे वो करना है? कुछ लोगों ने नए साल के बड़े बड़े प्रबंध बनाए होंगे, बड़ी बड़ी प्लानिंग की होगी, मैं बीड़ी छोड़ूंगा, दारू छोड़ूंगा, गुटखा छोड़ूंगा, यहां जाना छोड़ूंगा, वहां जाना छोड़ूंगा। एक को निर्णय लिया जाता है, दो पर उसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। जिसको यीशु का आना प्रिय है ना, उसको 31st नाइट तक रुकने की जरूरत नहीं है। वो उसी दिन निर्णय लेता है, उसी दिन चुनाव करता है, उसी दिन फैसला करता है। यदि धर्मी परमेश्वर के द्वारा वो धर्मी बनाया गया था। मूसा का ये तीसरा निर्णय मुझे इतना छूता है। जब मैं इस विषय में सोचता हूं, तब यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में कुछ बातें बताई थी और वो बातें कुछ इसके साथ मेल खाती है। तो हम चलते पहाड़ी के प्रवचन में, मत्तयी सुसमाचार 5वां अध्याय और वचन 10 से लेके 12। गौर से सुनो, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसके कारण सताए जा रहे? आपकी गलतियों के द्वारा आप सताए जा रहे हो, आपके गलत निर्णय के द्वारा आप सताए जा रहे हो। आप कहेंगे मैं मसीह हूं इसलिए मुझे ये हो रहा है, मेरे लिए मेरे कलीसिया में ये प्रॉब्लम आ रहा है। यदि आपने अज्ञानता की बातें बोलकर लोगों को सोशल मीडिया पे कुछ भी बकवास बातें डालकर, तेल पानी लगाकर, उनके सामने अन्य भाषा बोलकर अगर कुछ गलतियां की है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं ये धार्मिकता के कारण सताव नहीं है। आप खुदा के राह पे चल रहे हो। सताव पहले आपके आपके घर से शुरू होता है। आपके रिश्ते नाते पहले आपको सताते हैं। आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आप प्रार्थना जीवन जिएंगे, आपको वहां पे रुकावट की जाएगी। उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जो धार्मिकता ही हमें धर्मी बनाता है। धर्म ही है जो, धर्म मतलब उसकी परिभाषा में बता चुका हूं, फिर से वहां नहीं जाऊंगा मैं। जो धर्म का मतलब या धार्मिकता की परिभाषा यह है, खुदावन को अपने सामने जानकर हर दिन उसकी इच्छा से अनुसार जीना, उसे धर्म या धार्मिकता कहा जाता है और उसको ही धर्मी बनने का अधिकार मिलता है। आगे सुनो, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यीशु के कारण, अपनी गलतियों के कारण या अपने पापों के कारण नहीं, और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को तुम में से पहले थे इसी रीति से सताया। अभी लूका भी बहुत बेहतरीन बात बताता है, इसी बात को लेकर लूका भी बताता है। अब मैं हमेशा लूका के द्वारा मैं आशीषित होता हूं, क्योंकि लूका बहुत सारी बातें विस्तार से बताता है। लूका 6वां अध्याय वचन 22 से, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे।
आप मसीह हो इसके कारण लोग भेद कर रहे, आपकी गलतियों के कारण नहीं। और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, शायद आपका प्रमोशन काट देंगे, शायद आपको कुछ मिलने वाला है उस लिस्ट से आपका नाम काट देंगे, शायद आपका रिजल्ट भी काट देंगे आप मसीह हो बोलकर। लेकिन देखो आगे क्या लिखा है, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्या लिखा है, आप निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, पास्टर के पास जाकर ये नहीं करना देखो ना पास्टर जी ऐसा हुआ ना ऐसा हुआ। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है लुका के द्वारा कि तुम आनंदित होकर उछलना, एक बड़ी छलांग मारना, यस आई गॉट इट। क्यों पता है? क्योंकि इस बैंक में रखा हुआ आपका फिक्स डिपॉजिट या तो चोरी हो जाएगा, डाका पड़ेगा, लेकिन जो स्वर्ग के बैंक में जो डिपॉजिट होगा उसके लिए उछलना है। आगे देखो क्या लिखा है, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल, इसलिए उछल कर आनंदित करो। जब आप मसीह के कारण सताए जाते हो तो निश्चय ये आपके लिए सम्मान की बात है। इसलिए तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जब प्रेरितों को महासभा के अंदर उन्हें मारा पीटा गया और यीशु के नाम में बोलना नहीं ये कहने के बाद वो दुखी और निराश नहीं हुए, तो बाइबल कहती है वो महासभा के सामने से आनंद करते हुए निकले और ऐसा लिखा है कि यीशु के नाम के लिए अपमानित होने की योग्यता के वे ठहरे इसलिए आनंदित होकर गए। इधर थोड़ा सा कुछ बोल दिया पास्टर ने, कुछ थोड़ा सा कड़क संदेश दे दिया, कड़वी बात बोल दी, पास्टर जी हम पर भी बात करते हैं। अगर पास्टर जी कुछ बातों में अगर आपको करेक्शन देते हो ना तो आपके लिए आशीष है। जिसको करेक्शन नहीं दिया जाता है ना बाइबल उसको लावारिस कहा जाता है, जिसको करेक्शन दिया जाता है ना उसको वारिसदार कहा जाता है। आज यहां पे हमें कुछ बातें सुननी पड़ती है, लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह की है कि बाइबल कहती है कि यदि मसीह के कारण धार्मिकता के कारण सताए जाते हो, क्योंकि धार्मिकता ही आपको धर्मी बनाती है, तो आनंद करो, उछल कर आनंद करो। भले हमारा यहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं है, यहाँ पे बड़ी दौलत नहीं है, स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बढ़ता रहेगा और उसी प्रतिफल के ऊपर, उसी जमा की हुई उस प्रतिफल के ऊपर खुदावन आपके महल और आपकी बड़ी बड़ी 2 BHK 3 BHK बंगले बनाएगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा योहन्ना 14:1 में मैं जाता हूं और आपके लिए जगह तैयार करता हूं। ये जगह किस बात पर तैयार होगी, आप कितना यीशु मसीह के लिए सहते हो, आप संसार के लिए फिरौन की बेटी के लिए आनंद करते हो या बाप के क्षणिक सुखों का लाभ उठाने से अधिक परमेश्वर के लोगों की संगति में दुख उठाते हो। क्या उत्तम लगता है आपको, कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? क्या आप केवल क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, ईस्टर के मसीह हो, जिसे CNG मसीह कहा जाता है? क्या आप हर पल मसीह हो? आपके जीवन को जांचो, परखो, क्या चुनाव है मेरा नए साल में? नए साल में मैंने क्या चुना है? शायद आपने सोचा होगा पास्टर जी नए साल में प्रचार करेंगे हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, भाई निश्चय आपको ये मिलेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार इब्रानी 11:25 के अनुसार आपको परमेश्वर के लोगों की संगति चाहिए या आपको पाप के क्षणिक सुखों का लाभ चाहिए, दिस इज योर चॉइस, यह आपका चुनाव है। आइए हम दुआ करते। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के जीवी जलाली और सामर्थ्य नाम में धन्यवाद देता हूं, आपकी महिमा करता हूं और विनती करता हूं खुदावन आपके लोगों पर दया करो, कृपा करो और इस वचन के द्वारा उनसे बात करो। नए साल के लिए एक मिशन उनको दिया गया है, पाप के क्षणिक सुखों का लाभ उठाने से अधिक मूसा ने जो निर्णय लिया कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसने उत्तम जाना। जो उत्तम बात है, जो खुदा की हुजूरी की बात है, जो यहां पर नहीं तो स्वर्ग में प्रतिफल बढ़ाने वाली बात है, वहां पर तेरे लोग समय बिताए। जो कोई बीमार है उनको छू लेना, उनकी पारिवारिक समस्या यीशु के नाम में चली जाए, उनके घर में सुख शांति समाधान बने रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं सभी को आशीषित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सुअवसर आपने मुझे दिया कि मैं आपके कलाम से प्रचार कर सकूं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए मल्कुश 11:24 के साथ सहमत होता हूँ, जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगता हूँ, जो सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। परमेश्वर करे आपको बहुत बहुत आशीष मिले और इस वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो अभी भी आंख मूंद कर बैठे हुए, अभी भी जिन्होंने इस नए साल को गंभीरता से नहीं लिया है,
हल्के में लिया है जिन्होंने साल को, वो जागरूक हो जाए और धर्मी लोगों के पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए योग्य निर्णय लेकर वो आगे बढ़े और उनकी जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे, सभी क्षेत्रों में आपको ऊंचा उठाए। फिर से एक बार आप सभी को यह नया साल आत्मिक उन्नति का, शारीरिक चंगाई का, भौतिक बरकत का, पारिवारिक सुख शांति का हो। मे गॉड ब्लेस यू।